भेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां बन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणं पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान उमा स्वामी जी मुनि महाराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की सुषम्भेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की तीन कम नौ करोड़ महामुनिराजों की भगवंतु आचार्य प्रवर भगवत उमा स्वामी जी महाराज तत्वासूजी ग्रंथ में भव्य जीवों की संबोधनार्थ जीवादि तत्वों का व्याख्यान कर रहे हैं। विषय चल रहा है तीसरे अध्याय का चौथा सूत्र प्रारंभ करने जाएंगे। नारकियों के दुख कैसे प्राप्त होता है, परस्परो धीरे दुखा क्या करते हैं वे नारकी, परस्पर में एक दूसरे को दुख देने वाले होते हैं। कैसे होंगे, जैसे एक श्वान दूसरे श्वान से लड़ता है, ऐसी एक नारकी दूसरे नारकी से निरंतर लड़ते ही रहते हैं। और लड़ने का कारण क्या है कि जब नारकी जीव को अवधि ज्ञान लगाता है और देखता है इस जीव ने हमारे लिए इतना कष्ट दिया था, उसके स्मरण मात्र से वो क्या करता है, लड़ना चालू कर देता है। और विशेष बात कि जो पूर्व के बैरी लोग हैं वही सामने आते हैं, तो दोनों जीव लड़े हैं आपस में। यहाँ भी मनुष्य पर्याय में लड़ रहे हैं, या तो पूर्व के संस्कार हैं या उस संस्कार के बस आगे जाने वाले हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी का किसी से बैर हो तो आज ही छोड़ देना, क्योंकि हमको नारकी नहीं बनना है। बनना है किसी को तो क्या करना, बैर छोड़ना। क्या क्या होता है वहाँ, नारकी जी विक्रिया से अस्त्र शस्त्र बन जाते हैं। माना कि किसी को बढ़िया छाया चाहिए है, छाया चाहिए छाया, उसने देखा बहुत तेज धूप है, गर्मी लग रही है और एक वृक्ष दिख गया बना हुआ। वो वृक्ष कौन था, वो नारकी का जीव ही क्या हुआ, वृक्ष बन गया। और जैसे ही वो वृक्ष के नज़दीक आता है और वो पत्तियाँ क्या होती हैं, अस्त्र का रूप ले लेती हैं और उसके ऊपर गिर जाती हैं, तो उसका पूरा शरीर पारे की भांति, जैसे पारा बिखर जाता है ऐसे बिखर जाता है, लेकिन मरता नहीं है। कितना दुख होगा सोचो, फिर पुनः जुड़ता है। अब आपका शरीर छिन्न भिन्न कर दिया जाए कितना कष्ट होगा सोचो, तो कितना दुख है वहाँ। और कहाँ पर, नरक में। यहाँ दुख है कि नहीं, यहाँ के लोग भी दुख दे रहे कि नहीं, कैसे लोग नरक जाएंगे देखो, कट कट के कैसे, कौन कौन कटेगा ऐसा देखना। जैसे अभी एक घटना घटी, आचार्य कुमार काम कुमार नंदी के साथ में क्या हरकत की गई, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जिंदा उनके लिए करंट लगाया गया। तो ऐसे जीव मर करके नरक में दुखों को प्राप्त होंगे, जैसे वो अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न कर दिया शरीर ना, ऐसा ही उसके साथ कर्म होगा। अभी उसे समझ में नहीं आ रहा है, जब नरकों में उसको दुख की पीड़ा मिलेगी तब समझ में आएगा। ऐसे ही आप लोग भी ध्यान रखो, कहीं आप जीवों की हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं छिन्न भिन्न आपको ना होना पड़ जाए, विचार आपको ही करना है। और कई बार करौंत दी करौंत उससे छील देते हैं, काट देते हैं और भालों से भेद देते हैं,
कई प्रकार के अस्त्र बनाते हैं, वो गर्म पानी में डाल देते हैं, पानी प्यास लगी ठंडा पानी दिख रहा है बढ़िया, वहाँ कुछ नहीं है, अच्छी प्यास लगी बहुत तेज, अब वो पानी देखता है तो क्या होता है, वहाँ पर पानी अच्छा शीतल पानी था उस समय, जैसे ही उसने हाथ डाला और हाथ वो पानी गर्म हो गया तुरंत ही, और उसके हाथ जल गए, मुंह में रखा तो मुंह जल गया। जो लोग अनछने पानी का प्रयोग कर रहे हैं उनके साथ ये बातें होंगी, ध्यान रखना आप लोग। क्या कह रहे हैं, अनछने पानी का प्रयोग कर रहे हो ध्यान रखना कि आपको वैसा कर्म लौट कर फिर आएगा। आया तो अब मायाचारी, हाँ क्या चीज, रात दिन वहाँ कुछ नहीं है, रात दिन अंधेरा है तो अंधेरा ही है, जैसे जैसी उनकी आभा है वैसे ही रहेंगे, रत्न हैं तो रत्नों की आभा कैसी रहती है, चमकते रहे तो वहाँ रात होती नहीं है, दिन रात का कोई भेद नहीं है, दिन भर पूरे टाइम बोलते एनी टाइम, केवल झगड़ा ही झगड़ा, कुछ नहीं चाहिए, यहाँ करते नहीं करते झगड़ा, घर में माँ बेटी से कर रही है, बेटी माँ से कर रही है, लड़ते कि नहीं, सासू बहू से कर रही है, लड़ो, यहाँ का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा नरकों में जा कर के। जो लोग मायाचारी कर रहे हैं विशेष तौर से उनके लिए ये फल मिलेगा, काली मिर्ची बेचने वाले लोग पपीते बेच, पपीते के बीज बेच रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, हाँ तो अवधि ज्ञान रहता है ना, कोई अवधि ज्ञान के माध्यम से वो जान लेते हैं मेरे को ये फल भोगना पड़ रहा है इसके प्रभाव से, अब वो सबनित सम्य दृष्टि जीव अगर होगा तो वो उस कष्ट को सहन करेगा, दुख देगा नहीं किसी को, वहाँ देखेगा कि हाँ चलो ठीक है मेरा कर्म मैंने किया था मुझे भोगना पड़ रहा है, वहाँ विचार नहीं करेगा मारने का दूसरों को, लेकिन मिथ्या दृष्टि जो जीव होगा नारकी उसको कष्ट भी होगा और वो कष्ट देगा भी साथ में। देखो कौन बनता है, नहीं 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 हमेशा नहीं होते, तीसरे नरक तक व्यवस्था है, हमेशा नहीं, जरूरी नहीं है कि नरक से ही आए निकला हुआ जीव आए, अभी है लेकिन जरूरी नहीं है, कई स्वर्ग से तो आए हैं देव बन करके, कौन नहीं, अभी जैसे श्रेणी का जीव है नरक में है तो अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया उसने, अब मनुष्य बनेंगे और वहाँ से देव क्यों बनेंगे, नरक से नरक की केवल एक ही गति है, दो गतियाँ हैं, मनुष्य या त्रयंश, ठीक है ये सिद्धांत है, या तो देव गति के जाने वाला व्यक्ति केवल त्रयंश होगा या फिर मनुष्य होगा, नरक गति से देव से देवगति नहीं होती, नरक से देवगति नहीं होती, त्रयंश से होगी या मनुष्य से होगी, नरक से नरक वापस नहीं जाएगा, त्रयंश बनेगा ना या मनुष्य बनेगा, अभी सब व्याख्या सामने आएगी कि कौन से नरक से निकला जीव कहाँ जाता है और कहाँ आता है, ठीक है। तो जो जीव सब पता चलता है, अभी कभी मैदे में रवा मिला दिया, रवे मैदे में रवा मिला के बेच दिया, करते नहीं करते, खूब खाओ रात्रि भोजन करो, अब वो मैदा देखा आपने कैसे बनता है, जाना कभी मैदे की दुकान पर देख करके, मैदा पिस के आता है और उनमें इल्लियाँ ऐसी टप टप टपकती हैं, टपकती रहती हैं इल्लियाँ, तो इंद्री जीव, और आप लोग जलेबियाँ खाते हो बाजार की, खाते हो ना राहुल भाई बाजार की जलेबी खाते हो, अब एक दृश्य हम आपको दिखाते हैं, हमने अनुभूत किया है वो विषय, एक बार हम एक दुकान पर गए जलेबी खाने के लिए, तो हमने पूछा कि ये बर्तन जो इसमें वो बनाया जाता है इसका घोल, बोले कब से, हाँ जो भी है ये घोल जो बना है वो ये बर्तन है इसका कब से नहीं धुला, बोले महीनों महीने तो नहीं धोते, उसी में वापस से घोल आ जाता है, तो हमने देखा कि उसमें इल्लियाँ बिलबिला रही थी,
हमने जी क्या है? बोले कुछ नहीं। और उसने ऐसा कर दिया तुरंत ही, जैसी जलेबी निकाली, अब समझना जो काली काली पपड़ी दिखती ना ऊपर, वो क्या होता है? वो जले हुए जीव होते हैं। इसलिए बोलते हैं 100 एक हलवाई 100 कसाई बराबर है। 100 कसाई 1 हलवाई बराबर है। इसलिए होटल का भोजन, हलवाइयों का भोजन, मिठाई खाना सब बेकार है। अपने घर में दूध लाओ और अपने घर की मिठाई खाओ तो शेष करे, नहीं तो आचार्य भगवान कह रहे हैं खाओ खूब बाजार की मिठाइयाँ इल्लियों वाली, क्या होगा? नरकों में आपको कटना पटना पड़ेगा। और जैसे कढ़ाई में जलेबियाँ तल रही थी, आप देख करके आनंद, आह कितनी सुंदर जलेबी, वाह कितनी बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी जलेबी निकल रही हैं, वाह मज़ा आ गया। और जैसे चबाया मज़ा आ गया, आनंद ले रहे ना, खाओ खूब। जब नार की बनोगे तो एक नार की कढ़ाई में आपको पटक देगा, ऐसे ही खा लो जलेबी तुमको। ऐसे गोल गोल नरकों में घूमना पड़ेगा वहाँ जा कर के, क्यों? अभी दुख दिया है दूसरों को तो आगे भी दुख मिलने वाला है। छोड़ दो बाजार की जलेबी, छोड़ दो कम से कम कि बाजार की जलेबी नहीं खाएंगे। कौन कर रहा है त्याग? नहीं कर पाओगे, कर पाओगे? बाजार की जलेबी मत खाना कम से कम, इतनी त्याग कर दो। सोने जी खाते हो, त्याग कर दो। बाजार की जलेबी कौन कौन नहीं खाएगा, हाथ उठाओ। देखो कोई नहीं कर पाएगा त्याग, देखो माँ हाथ नहीं उठा रही, बोलो त्याग है कि नहीं? कम से कम यही परिणाम कर लो। भैया रोहन जी त्याग है कि नहीं? त्याग था कि है? अब त्याग कर रहे हैं आज से कौन कौन हाथ कर उठाओ, हाँ उठाओ, कौन कौन कर रहा है? जलेबी बाजार की जलेबी नहीं खाएंगे पक्का, शुभम सोच लो। ठीक है पीछे सबका त्याग पक्का, चलो कायस्ता कर लो नवा, कम से कम हमारा वचन सार्थक हो गया। नवा नमुका पढ़ लो, बाजार की जलेबी नहीं खाएंगे। और बताएं एक चीज़ और उदाहरण देते हैं आपको। एक बार छतरपुर की बात है, एक ठेले पर एक बहन फुल्की खाने गई, फुल्की समझते ना, गुपचुप, गुपचुप बतासे या बोलते हैं बतासे उसको। तो जैसे ही पहुँचे वहाँ पर तो वो जो बनाने वाला था वो कहाँ गया? एक नंबर, ठीक है, वहाँ गया। और वो वहाँ से लौट के जैसे ही आया, उसने हाथ तो धोए नहीं, हाथ धोए नहीं, और एक फुल्की खाने आया कोई व्यक्ति, वो जो गया था देखने के लिए कि फुल्की खाने जाना, उसने देखा दूर से क्या कर रहा है। जैसे ही आया उसने हाथ तो धोए नहीं, वही हाथ उसने पानी में घुमा दिए, और पसीना आया तो पसीना भी उसमें घुमा दिया, और कभी यार नाक आती है तो और बोलें तो ऐसे भी लोग हैं जो आपको अपना थूक उसमें डाल देते हैं और खिलाते हैं। सोच लो आप क्या खा रहे हो, रोटियां बनाते हैं उसमें डबल रोटी बनाते हैं, आपको थूक डालकर खिलाते हैं, सब्जियां भी बेचते हैं तो थूक डालकर खिलाते हैं तुमको। सोचो तुमने क्या खाया है, अब खाओ जान का। अभी तो पता नहीं था, अब पता चल गया है। तो कहते हैं कि अज्ञानात कृतम पापम सद ज्ञानात विमुच्यते, और ज्ञात्वा ज्ञातम ज्ञानम कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। यदि जान अज्ञानकृत पाप हो गया तो ज्ञान से छूट जाएगा, लेकिन जब ज्ञान हो गया है और उसी वस्तु को हम पुनः खा रहे हैं तो अब तो कर्म का वज्र लेप होगा। अब खाओगे पुलकी? ऐसे लोग हैं कि नहीं बोलो? अब कहाँ हमने खुजली की अपने शरीर में और फिर हाथ धोए नहीं उसमें फिर मिला लिया, बोलो नहीं होता ऐसा? कई बार आप भी भोजन बनाते हो तो खुजा लेते हो फिर भोजन बनाना चालू कर देते हो, हाथ नहीं धोते, होता कि नहीं आपके साथ? कई बार हो जाता है, पसीना आता है, पसीने की बूंद आटे में चली जाती है, नहीं जाती? अरे कई बार गई है माँ, सोचो आप। तो जब वो तो कुछ जानता ही नहीं है कि ये सामग्री अशुद्ध है कि नहीं है, उसने लहू संका का पानी आपको पिला दिया,
और ऐसे भी लोग देखने में आ गए हैं, सुनने में आई कि लहू शंका किया उसने, पानी उसमें मिला दिया, बोले बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट आएगा। क्या पिला दिया तुमको, सोचो तुम लोग। सुनो, ऐसे भी लोग हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ कि एक दो व्यक्ति क्या करते थे, गड़ा हुआ मुर्दा बाहर निकालते थे, गड़े हुए मुर्दे निकाले दो बाहर, और कोरोना काल की बात है, उन्होंने उनकी कड़ी बनाई। सोचो ऐसे परिणाम भी जीव के हुए कि नहीं, कहाँ जाएंगे ये लोग। उनके लोगों को बाहर निकाला, कम से कम 100 से ऊपर वो मुर्दे खा चुके। क्या बनाया, कड़ी बनाई उनकी और खाया, दोनों मस्त खाते थे, पकड़े गए। कहाँ जाएंगे, इधर तो शासन ने पकड़ा है, कर्म ने तो पहले दिन ही पकड़ लिया था, तुमने क्या किया है। सोचो, विचार तो करो, हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ऐसे निमित्त मिलते हैं, रात्रि भोजन अगर कर रहे हो, सुनो, कोई कहता है हम रात्रि भोजन का त्याग है, नहीं है त्याग। रबड़ी खा रहे हो ना, खाते हो ना, मूंगफली खाते हो, तिली की पट्टी खाते हो, खा तो रहे हो, खाओ बेटा, खाओ माँ, बहुत खाओ। जब नरकों में तुम्हें भूख लगेगी, एक कण भी नहीं मिलेगा, और तड़पोगे, फिर वो नारकी क्या करेगा, मुंह फाड़ेगा जान के, और संडासी से पारा भरेगा, गरम 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 पारा भरेगा तुम्हारे मुख में, और तुम चिल्लाओगे, पूरा शरीर जल जाएगा तुम्हारा। खाओ, रात्रि भोजन करो, क्या होगा परिणाम। करते ना रात्रि भोजन, करते हो फिर भी जानकर नहीं छोड़ रहे हो, पाप तो निश्चित हो रहा है। लोग सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पियो बेटा, पियो। दारू पी रहे हैं, शहद खा रहे हैं, क्या है उसमें, है क्या, मांस का ही तो पिंड है। जो खा रहे हैं उनको विचार करना। अच्छा, और एक बात, पुराना अचार खाते कि नहीं, एक साल पहले डाल दिया, अभी आम का सीजन नहीं है, अब पुराना अचार का मुरब्बा डाल दिया है, बोलो तुरंत का अचार खाते हो क्या, कि महीनों महीनों का खा लेते हो। बढ़नी बन के रखती ना 2 महीने का, देखो अचार के मुरब्बे में केवल अंतर मुहूर्त मात्रवाद सम्मोषण जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, त्रस जीवों की, और आपने 2 महीने बाद भी खाया है तो आपने मांस का भक्षण ही किया है। इसलिए अचार का भी त्याग करना पड़ेगा, तुरंत का अचार खाओ 48 मिनट मात्र का। खाते तो नहीं अचार, बाजार का अचार ले के आ गए, बढ़िया टेस्ट लग रहा है, आ ऐसा अचार तो कभी खाया ही नहीं है, कहते नहीं। अरे घर का तो बनाते हो, 2-2 महीने पुराना बनता कि नहीं, बोलो माँ, माँ बोल रही ना, खाया कि नहीं खाया। आज आज घर जाकर के उस बर्नी को सबसे पहले बाहर करना, कि आज से मचार नहीं खाएंगे, नरक का द्वार है, नरक का द्वार है अचार। हम नहीं बोल रहे हैं, पाठशाला में पढ़ाया जाता था पहले, हाँ शॉर्ट में जल्दी जल्दी। क्या किया आपने, मुरब्बा नहीं आया, अचार नहीं आया, ठीक है। सुनो, जब तक उपदेश नहीं पता है तब तक, बस एक मिनट, जब तक पता नहीं है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन पता होने के बाद हम पुनः वही क्रिया कर रहे हैं तो समझना निश्चित रूप से गति बिगड़ने वाली है। अब जिनके यहाँ रखी हों बर्नियाँ अचार की, वो घर जाकर के अलग कर देना, कि आज से हम अचार नहीं खाएंगे। कुछ लोग नियम ले चुके हैं, श्रद्धा से अपने कर लिया, अनुकाश हो गया, अब अचार नहीं खाएंगे। विचार करना, हम त्याग नहीं करा रहे हैं, लेकिन आपको स्वयं सोचना है कि हमने आज तक किसका सेवन किया है, किसका सेवन किया है। ठीक है गृहस्थी है, लेकिन गृहस्थी में भी त्रस्त होना क्यों चाहते हो। पाप घटाने के लिए गृहस्थी जब बनाई है कि बढ़ाने के लिए, पहले तो स्वतंत्र थी ना,
किसी को भी देख सकते, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब गृहस्थी में इसीलिए फंसे हो कि धर्म का आचरण अच्छे से कर पाए। पहले परिणाम विकृत होते थे, अब एक व्यक्ति से जुड़ गए हैं और उससे साथ में रहकर के धर्म का पालन करना है, तो वहां पर अपन को कम करना चाहिए। पेट भरना है, चार रोटियों का पेट भर जाता है, बस केवल कंट्रोल किसको करना है, मन को मनाना है बस। अच्छा, हमारा जीवन चल रहा कि नहीं, क्या नहीं चल रहा? हम लोग अचार खाते हैं क्या, पुराना वाला आलू प्याज खाते क्या, लहसुन खाते क्या? नहीं खाते ना। रात में भोजन करते क्या? रात्रि भोजन जो नहीं करते उनकी उम्र पूरी जीते हैं वो लोग, मानो। और रात्रि भोजन त्याग करने वाले का एक उपवास हो सकता है आराम से, दिन में एक उपवास, 12 घंटे त्याग करोगे ना, शाम को 6 से 6 बजे तक का, तो एक दिन मिला पूरा, 12 घंटे का उपवास हुआ कि नहीं, तो आराम से उपवास का फल भी मिलेगा, आधे उपवास का फल। विचार आपको करना है, शक्ति नहीं है आपके पास उपवास करने की, लेकिन आप अगर रात्रि भोजन त्याग करते हैं उपवास के फल को भी प्राप्त हो जाओगे। इसलिए अपना अपना मन बनाओ, मायाचारी मत करना। करते कि नहीं पतिदेव से, कैसी नमक नहीं है घर में लेके आ जाओ, जबकि 10 दिन पहले का रखा है 10 दिन का, झूठ क्यों बोलना, मायाचारी क्यों करना। उनसे बोलो कि 10 दिन तक तो रखा है, 11वें दिन नहीं दे पाएंगे, सच बोलो ना, झूठ क्यों बोलना है। माना कि दूध खत्म हो गया, शक्कर खत्म हो गई है, चाय खत्म हो गई है, कोई भी सामग्री खत्म हो गई है, तो उनसे बोलना कि 5 दिन तक चलेगी, 6वें दिन हम नहीं दे पाएंगे, ला के रख दो। मायाचारी क्यों करना, विचार बदलो ना। कोई व्यापारी है, व्यापार करने वाला है, तो वो कहता है कि मुझे इतनी सामग्री बेचना है, तो लोग हाव हाव करते हैं कि इतना भाव दो। बोले हमारे यहाँ इतनी रेट है, 500 रुपये की ड्रेस है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा, आपको लेना हो लो, अन्यथा जाओ। मायाचारी नहीं करना कि हमको 500-400 की तो हम लेके आए हैं, हम कमाएंगे क्या, नहीं। आप तो फिक्स कर लो कि हाँ इससे ज़्यादा हम लेंगे नहीं, आपको लेना हो लो, अन्यथा आप जा सकते हैं। ऐसी मायाचारी मत करो। आपके घर में सामग्री हो तो आप कह देना भैया इतने दिन तक चलेगी, इसके बाद हम नहीं दे पाएंगे, आप ला के रख देना, मायाचारी से बच जाओगे। आज से प्रयास करो, छोटी छोटी बातें हम करते हैं उनमें हमारी मायाचारी चल रही कि नहीं। घर से भी बाहर जाना है, फिल्म देखने जाना है माना कि, तो उनको घुमा फिरा के बात मत करो, बोलो हमको जाना है, आज हमारी इच्छा हो रही है वहाँ जाने की। घुमा फिरा के क्यों, जब खाना खाना है तो ऐसे उल्टे क्यों खा रहे, सीधे खाओ ना। मेहनत किस में ज़्यादा है, मेहनत किस में ज़्यादा है, मेहनत। फिर तो इतनी सारी वचन बरगड़ाए व्यापार फैलाने की जरूरत क्या है, सीधा बोलो ना। अगर उसने मना कर दिया ठीक है मत जान, कभी तो मानेगा। मायाचारी करके बातें क्यों करना, घुमा फिरा करके। अगर घुमा फिरा के बातें करते हो तो फिर घूमने वाले नरक ही मिलेंगे। सारी भूमिका इसलिए बनाई थी, घूमो नरक में बिल हैं, सीधे साधे नहीं हैं, ऐसे गोल गोल घूम घूम के बिल बनेंगे तुम्हें। विचार आपको करना है। आगे एक बात और कह रहे हैं, किसी से अधिक घनिष्ठ मित्रता मत रखना। क्यों कहते हैं ऐसा? अगर आपने किसी से घनिष्ठ मित्रता कर ली जिन्नू भैया, तो आपकी मित्रता तो हो जाएगी अच्छी, लेकिन मित्र को आपसे आकांक्षाएं होंगी, और आकांक्षाएं होंगी और आप पूरी नहीं कर पाए तो वो शत्रु बन जाएगा आपका। शत्रु बन गया तो फिर कहाँ मिलोगे, कहाँ मिलोगे, नरकों में जाके। अरे पहले मेरे से काम था तो मेरा काम निकलवा लिया अपना, और मेरा काम आया तो बोले नहीं टाइम नहीं है, वक्त पर काम नहीं आया। शत्रुता बढ़ जाती है, ऐसे ही बैर बढ़ता है, बैर बढ़ता है ऐसे ही। अब बैर बढ़ने के बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। असुरों के निमित्त से अन्य दुख सुनो, संक्लिष्टा असुरो धीरे दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। तो चौथे भूमि से पहले तक
भी संक्लिष्ट यानी असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख वाले भी होते हैं। तीसरे नरक में नरक से पर्यंत संकलित परिणामों से असुर जाति के देव भी परस्पर एक दूसरे को लड़ाते हैं। कैसे? धोखाधर देखो, कौन? नारायण नारायण। क्या होता है? माना कि दो लोगों की लड़ाई हो गई है और वो उसको भूल गए दोनों, स्मरण दिलाएगा वो व्यक्ति, कौन? असुर जाति का देव आएगा, स्मरण दिलाएगा, देखो तुम्हारे साथ उसने ऐसा किया था, और वो उसको मानने चाहेगा, और इधर जो दूर जाकर ऐसे देखेंगे, आह आनंद आ रहा है। ऐसे लोग वर्तमान में जो लोग एक दूसरे को आपस में लड़ा रहे हैं और साइड में बैठ करके खुश हो रहे हैं, ऐसे लोग असुर जाति के देव बनते हैं और एक दूसरे को नरक में नारक को लड़ाते हैं। बनना है किसी को? वहाँ निरंतर आड़ दौ ध्यान से युक्त होता है वो जीव। कौन सा? नारकी जीव। आजकल के गेम चल रहे हैं, तीतर आदि को, भैंस आदि को लड़ाना, देखा आप लोगों ने? होते हैं, एक दूसरे पक्षियों को लड़ाते हैं लोग। ये परिणाम चल रहा है नरक जाने के, वहाँ ये संस्कार या तो प्राप्त करके आए हैं या फिर करने जा रहे हैं, ये पक्का है। क्योंकि वैसी व्यवस्था कर्मों की बनने लगती है, अपने आप बनेगी, समय आपका हो गया। ठीक है, जिनागम में कहा है नरक के नारकियों की भावों की हिंसा भी मत करो। अब लोग रामायण देखते ना तो रावण कहाँ गया? तो आप लोग क्या कहते हो? अच्छा गया, अच्छी राम ने अच्छा मारा उसको। तो आपने क्या किया? भावों से पंचेंद्रिय जीवों का घात कर लिया, किया कि नहीं? दशहरा में जाते कि नहीं जाते रावण देखने के लिए? बहुत सारे लोग जाते हैं, जैन लोग ही। आपने पंचेंद्रिय जीव के घात का भाव उत्पन्न किया है, आपको वैसी हिंसा का पाप लगेगा। इसलिए अनुमोदना भी नहीं करना। टीवी पर आते हैं बहुत सारे दृश्य, तब भी अनुमोदना करते हो, अरे वो जयपुर का रावण जल गया, बहुत अच्छा था, भीलवाड़ा का जल गया, उदयपुर का जल गया, कहते कि नहीं? देखते हैं लोग, अनुमोदना भी करते हैं, उस पाप का फल आपको मिलेगा। इसलिए ठंडे हो जाओ, ये चीज़ देखना ही नहीं ना। तो नरक के नार की भी हिंसा करते कि नहीं करते आप लोग? माना कि वर्णन चल रहा है और बता दिया नरक में रावण बहुत पिट रहा है, बोले बहुत अच्छा, अनुमोदना कर रहे हो ना। कोई पिट रहा है बाहर रोड के बाहर, अरे उसकी पत्नी ने उसको पीट दिया, बोले बहुत अच्छे, मेरी पत्नी तो ऐसी है ही नहीं। आपने अनुमोदना कर ली उसके पिटने की, आपको भी पिटना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता, ध्यान रखना। जब तीर्थंकर जय भगवान को नहीं छोड़ा तो आप तो क्या हो? किस खेत की मूली? नहीं धनिया पत्ती, मूली तो अवक्ष होती है। मूली क्यों बोले? धनिया पत्ती बोलो, खाती ना, अवक्ष का नाम क्यों लें? खाना ही नहीं है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे, आपका समय हो गया, बड़े महाराज जी को बुला लाओ भैया। और क्या होता है वहां? तिल तिल करे देखे खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तिल तिल देखे खंड कर देता है वो नार की जीव, फिर भी वहां से आपको मृत्यु प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अकाल मरण नार की जीवों का होता ही नहीं है।